हेलो स्टूडेंट्स, मैं मोनिका त्रिवेदी, डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी। स्टूडेंट्स, हम खाद्य सेवा प्रबंधन MEHS 08 जो आपकी बुक है उसकी प्रथम इकाई खाद्य सेवा का इतिहास एवं विकास इसके अंतिम चरण की ओर है। इस चरण में बढ़ने से पहले आइए एक बार हम रिवाइज कर लें कि इससे पहले के उसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया है। स्टूडेंट्स, पहली और दूसरी वीडियो में आपने देखा और पढ़ा कि खाद्य सेवा इकाइयां क्या हैं, उनकी आवश्यकता क्यों हुई, उनका विकास किस प्रकार हुआ, उनको प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या थे। इसके अतिरिक्त आपने यह भी देखा कि अगर आप कोई खाद्य सेवा इकाई खोलना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या क्या प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी, जिसमें आपने विभिन्न प्रकार की गाइड निर्देशिकाओं को बनाना ये सीखा, आपने बजट किस प्रकार से प्लान करना है ये भी देखा, किस प्रकार से आप किसी इकाई को खोलने के लिए जो एक आपको एक रजिस्ट्रेशन कराना है इसकी प्रोसेस क्या है और क्यों रजिस्ट्रेशन आवश्यक है इसके बारे में सीखा। आज इस अंतिम भाग में हम ये देखेंगे कि खाद्य सेवा प्रणाली के विभिन्न दृष्टिकोण क्या हैं और उन दृष्टिकोणों का हमारी खाद्य सेवा इकाइयों में क्या महत्व है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि खाद्य सेवा इकाइयों में तीन प्रकार के दृष्टिकोण या अप्रोचेस होती हैं, जिसमें पहली है पारंपरिक दृष्टिकोण अर्थात ट्रेडिशनल अप्रोच, मानवीय संबंध आधारित दृष्टिकोण अर्थात ह्यूमन रिलेशन बेस्ड अप्रोच, और नंबर 3 है प्रणाली दृष्टिकोण सिस्टम अप्रोच। सबसे पहले पारंपरिक दृष्टिकोण पर एक नजर डालते हैं कि पारंपरिक दृष्टिकोण क्या होता है। पारंपरिक दृष्टिकोण के अंतर्गत जो खाद्य सेवा इकाइयां चलाई जाती हैं, ये अप्रोच जिस समय प्रयोग में की जाती है, इसमें प्रत्येक व्यक्ति को उसके कार्य विभाजित होता है, अर्थात आपको क्या क्या काम करना है और आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए, आपका क्या लक्ष्य है इसको आपको पूरा करके देना है, ये प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है। इसके अलावा जो प्रबंधक होता है अर्थात जो मैनेजर होता है, वह एक तो सभी उसके जितने भी एम्प्लॉय होंगे या जितने भी वर्कर्स होंगे उनके कार्यों पर नजर रखेगा और उनके बीच में एक कोऑर्डिनेटर या समन्वयक की भांति कार्य करेगा। कार्य की ये जो अप्रोच है, इसमें कार्य पूर्ति और लक्ष्यों की प्राप्ति पे विशेष बल दिया जाता है, अर्थात कार्य पूरा होना चाहिए और जो उन्होंने लक्ष्य या जो टारगेट उन्होंने उस दिन का या उस वीक का कोई भी जो टारगेट सेट किया हुआ है वो पूर्ण होना चाहिए। इसके बाद आते हैं मानवीय संबंध आधारित दृष्टिकोण, ह्यूमन रिलेशन बेस्ड अप्रोच। इसमें सामाजिक एवं मानवीय संबंधों का अपेक्षाकृत अधिक महत्व होता है। इसके अंतर्गत इस प्रकार के अप्रोच जिन खाद्य इकाइयों में प्रयोग में लाई जाती है उनमें मानव समूह अनौपचारिक वातावरण में कार्य करते हैं तथा इस शैली की निर्णय प्रक्रिया में कार्मिकों की सहभागिता भी सुनिश्चित होती है। इस प्रक्रिया में कार्मिकों के प्रतिभाग के कारण नैतिकता तथा उत्पादकता सकारात्मक रूप से प्रभावित होती है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण जो अप्रोच है वो है प्रणाली दृष्टिकोण। इसमें इस प्रकार के जो अप्रोच है इसमें परस्पर एक दूसरे पर निर्भर दो या दो से अधिक भागों का एक ढांचा होता है, जिसमें सभी भाग एक साथ समन्वित रूप से साझा लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु कार्य करते हैं, अर्थात एक व्यक्ति कार्य नहीं करता, एक व्यक्तियों का समूह एक कार्य और एक लक्ष्य को पूर्ण करता है। कोलमैन है इनके अनुसार इस प्रकार का जो दृष्टिकोण है अर्थात प्रणाली दृष्टिकोण सिस्टम अप्रोच, इसमें परस्पर संबंधित भागों का एक सेट होता है और इन परस्पर संबंधित भागों को उपप्रणाली कहते हैं, अर्थात जो उसके डिवीजन किए गए हैं, जो नीचे एक हायरार्की जो सेट की गई है उनको आप उपप्रणालियां कहते हैं तथा प्रत्येक उपप्रणाली दूसरे उपप्रणाली के कार्य पर निर्भर होती है और लक्ष्य प्राप्ति हेतु सभी उपप्रणाली अपना अपना योगदान देती हैं। अर्थात इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जिस प्रकार अगर आप कोई भी व्यंजन तैयार कर रहे हैं, कोई भी भोजन तैयार कर रहे हैं, तो सबसे पहले एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है सामान लेके आना, दूसरे की जिम्मेदारी है उसका रॉ मटेरियल भोजन के लिए तैयार करना, उसके बाद व्यक्ति की जिम्मेदारी है भोजन को पकाना, उसके ऊपर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है उस भोजन को लोगों में बांटना। तो इस प्रकार से विभिन्न चरणों में ये कार्य पूर्ण होता है, किंतु अगर इसमें कोई भी व्यक्ति अपना कार्य समय से ना करे तो फाइनल प्रोडक्ट जो होगा या फाइनल जो आपका लक्ष्य होगा वो आप प्राप्त करने में आपको परेशानी होगी, मुश्किलें होंगी और संभवतः कार्य उस तरीके से और उस समय पर पूर्ण नहीं हो पाएगा।
तो इस प्रकार की जो अप्रोच है ये आजकल जो हमारे आजकल जितनी भी खाद्य सेवा इकाइयां चल रही हैं उनमें ये अप्रोच यूज की जाती है। इस प्रकार की जो आपके प्रणाली दृष्टिकोण है इसकी कुछ विशेषताएं भी हैं। जैसे देखिए, प्रणाली की रचना लक्ष्य प्राप्ति के लिए केंद्रित होती है। ये तो सभी का है कि आपका एक टारगेट है, एक लक्ष्य है जिसको प्राप्त करने के लिए सभी को प्रोत्साहित किया जाता है। और प्रत्येक उप प्रणाली का एक विशेष कार्य और गुण होता है। मैंने बताया उप प्रणाली, आप समझ गए होंगे अभी कि विभिन्न चरण जो मैंने आपको बताया यही एक उप प्रणालियां हैं। और इन उप प्रणालियों के बीच तालमेल होना बहुत आवश्यक है, जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल से समझा दिया। इसके अलावा प्रक्रिया के मूल तत्व, सूचना प्रवाह, ऊर्जा तथा आवश्यक सामग्री प्रणाली के आधारभूत तत्वों की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। और संगठन के उद्देश्य उप भागों के उद्देश्य से ज्यादा महत्वपूर्ण है। अर्थात आप एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन का जो उद्देश्य है वो आपके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। कार्यकारी संगठनों में वह तीन उप प्रणालियां पाई जाती हैं जो निम्न प्रकार की हैं। एक होती है ऑपरेशनल सब सिस्टम, मैनेजमेंट सब सिस्टम, इन्फॉर्मेशन सब सिस्टम। अर्थात परिचालन उप प्रणाली, प्रबंधन उप प्रणाली, सूचना उप प्रणाली। अब बात करते हैं परिचालन उप प्रणाली। परिचालन उप प्रणाली है इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? क्रियाकलाप आते हैं, मानवीय गतिविधियां और कार्यकर्ता जो मूल कार्य निष्पादित करते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। प्रबंधन उप प्रणाली में इसमें आपकी योजना बनती है, क्रियान्वयन किया जाता है, निर्णय लेना, नियंत्रण करना, मूल्यांकन करना, ये सारे कार्य जो है प्रबंधन उप प्रणाली में आते हैं, मैनेजमेंट सब सिस्टम में। उसके बाद बात करते हैं सूचना उप प्रणाली अर्थात इन्फॉर्मेशन सब सिस्टम। इस उप प्रणाली के अंतर्गत कार्यकर्ताओं, उपकरणों, मशीनों, विचारों तथा कार्यों का समूह सम्मिलित होता है जो डेटा संसाधन का कार्य करता है तथा संगठन की औपचारिक सूचना प्रदान करता है। अर्थात इधर से उधर विचारों का एवं सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। अब प्रणाली सिद्धांत में परस्पर संबंध तथा पारस्परिक निर्भरता, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक चरण दूसरे चरण से संबंधित है, एक चरण का गलत कार्य दूसरे चरण को भी गलत ही कार्य की ओर अग्रसर करेगा। तो जैसे अगर आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे खाद्य सेवा इकाइयां जो है इनका प्रमुख उद्देश्य ऊर्जा, कार्यकर्ता, उपकरण तथा सुविधाओं का उपयोग करके कच्ची सामग्री को अंतिम तैयार खाद्य उत्पाद में रूपांतरित करना होता है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हम कोई भोजन तैयार कर रहे हैं तो आपको उसमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, गैस चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, लेकिन फाइनली आपको क्या करना है, उससे अपना एक फाइनल प्रोडक्ट बना के दिखाना है या फाइनल प्रोडक्ट तैयार करना है। इसके लिए क्रय विभाग, भंडार पूर्व तैयारी विभाग, भंडारण विभाग, उत्पादन विभाग तथा सेवा केंद्र स्वतंत्र रूप से इतने सारे, आप देखिए इतने सारे डिपार्टमेंट जो है इसमें कार्य करते हैं और इनका सबका अपना एक निश्चित और आप ये समझ सकते हैं कि प्री डिसाइडेड और पहले से ही आपको डिस्ट्रीब्यूटेड ये सब कार्य होते हैं। ये सभी विभाग एक के पश्चात एक क्रमिक रूप से कार्यशील होते हैं। जैसे क्रय विभाग उत्पादन इकाई के प्रसंस्करण कार्य के लिए कच्ची सामग्री क्रय करेगा। क्रय विभाग का काम सामग्री को क्रय करना, कच्ची सामग्री को। कच्ची सामग्री को फिर क्या करा जाएगा, स्टोर किया जाएगा। ऑब्वियस है कि आप आज लेके सारा ही सामान आज यूज नहीं करेंगे, कुछ समय के लिए होगा, तो उसका भंडारण और उचित भंडारण अति आवश्यक है। फिर जो भंडारित सामग्री होगी उसका आवंटन किया जाता है। तो इस प्रकार जो आवंटित सामग्री है उससे ही फाइनल प्रोडक्ट तैयार किया जाता है जो कि ग्राहकों या जो भी आपके कस्टमर्स हैं उनको परोसा जाता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि सभी क्रियाएं एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित हैं। और एक भी प्रक्रिया अगर गलत हो जाती है या लेट होती है या उसमें कोई भी परेशानी होती है तो फाइनल प्रोडक्ट में आपके परेशानी होने की संभावना है। तो स्टूडेंट्स, तो आपने इस प्रकार से आज इस इकाई को खाद्य सेवा का इतिहास एवं विकास इस इकाई को पूर्ण किया है। अब अगली बार अगले वीडियो में हम अपनी दूसरी इकाई की ओर बढ़ेंगे और उसमें उसको समझने का प्रयास करेंगे।